आपको तांत्रिक ज्योतिषी और जाने क्या क्या बताने वाले ओम बाबा ने रियलिटी शो बिग बॉस में जो कांड किए उन्हें आप भूले नहीं होंगे। खुद को ओजस्वी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बताने वाले ओम बाबा के बारे में अब तक यही लगता था कि वो बड़ी बड़ी डींगे हांकते हैं, लेकिन अब उनकी हदने से आगे जा चुकी है। ओम बाबा का नया कारनामा एक वीडियो है जो हम आपके सामने रख रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में ओम बाबा सन्यासी के चोले में ध्यान में डूबे और एक मॉडल उनकी तपस्या भंग करने के लिए बेहद कम कपड़ों में डांस करती दिखती है। वीडियो के दूसरे हिस्से में ओम बाबा भी मॉडल के साथ झुमके लगाते दिख रहे हैं। ये सब कुछ इतना अश्लील है जिसे साफ साफ दिखाना भी हमारे लिए संभव नहीं था, इसलिए हमने लड़की के हिस्से को ब्लर किया है। कहा जा रहा है कि ओम बाबा एक फिल्म बना रहे हैं और ये सीन उसी फिल्म की शूटिंग का है। वैसे बिग बॉस में रहते हुए ही ओम बाबा ने दावा किया था कि उन पर 100 करोड़ की लागत से फिल्म बन रही है। अब ये पता नहीं कि ये ओम बाबा की वही ड्रीम फिल्म है, लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि ओम बाबा अब पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं और इस चक्कर में वो ये भी भूल गए हैं कि वो सन्यासी का जो चोला पहनते हैं उसकी अपनी गरिमा है। इस वेशभूषा में कोई भी आदमी अगर कुछ गलत करता है तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी ओम धर्मगुरु इस वक्त खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मुकेश जैन साहब जुड़ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं दारा सेना के, महामंडलेश्वर मातन पुरी जी महाराज हमारे साथ हैं स्टूडियो में जो कि धर्मगुरु हैं, अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और जेके बेनीवाल धर्म प्रचारक हमारे साथ स्टूडियो में हैं। स्वामी ओम, मेरा पहला सवाल आपसे ही है कि ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें एक लड़की के कपड़े इतने कम थे कि हमको वो ब्लर करना पड़ा क्योंकि हम नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखा सकते थे, ये क्या है और क्यों है? मेरा एक फिल्म बन रहा है, मन का मैल उसका नाम है, और ये आधारित है मेरे एक परम मित्र थे भगवान रजनीश, उनकी एक पुस्तक थी संभोग से समाधि तक, और उसको हमने अपने ढंग से, हमारे स्क्रिप्ट राइटर ने स्टोरी बनाई हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, इसमें मेरे साथ में जो फाइनल फिल्म बनकर के आ रहा है उसमें बॉलीवुड की वो हीरोइने हैं जो अपने घुटने से ऊपर कपड़ा नहीं करती, वो भी सारे इसी ड्रेस में है जो हमारा सामूहिक नृत्य है उसमें। अच्छा, सामूहिक नृत्य है उन्हीं कपड़ों में, बिकनी में लड़कियां आपके साथ नाचती दिखे, और उसमें आपको जो शिव तांडव स्तोत्र है उसके ऊपर में मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा डांस उसमें किया हुआ है। तो आप फिर एक्टर क्यों नहीं बन जाते? मैं एक्टर ऑलरेडी हूँ, मैं एक्टर हूँ। वही तो कह रहे हैं, आप एक्टर रियल लाइफ में सिर्फ सन्यासी की एक्टिंग करने के लिए नहीं, बाकी जो ये एक्टिंग कर रहे हैं इसमें चले जाइए, मैं कह रहा हूँ। नहीं, इसमें मैं ऑलरेडी हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि मेरी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। आप बहुत सारी फिल्में क्या, आप असंख्य फिल्में कीजिए, आप बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन सन्यासी कहलवाना बंद कर दीजिए। मैंने सन्यासी अपने आप को कहा नहीं, ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये सन्यासी का नहीं, ये तांत्रिक का है। अच्छा, और एज ए एक्टर मैं ये कर रहा हूँ और इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे समी कपूर, तो एक्टर के नाम पर आप कुछ भी करेंगे? माला पहनते थे वो, तिलक लगाते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टिंग नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताइए कि एक बाबा आप हैं, आप खुद को बाबा ओम कहते हैं? हाँ, मैं कहता हूँ। ठीक है, एक बाबा को एक बिकनी में लड़की उसके आसपास नाच रही है और आप ठुमके लगा रहे हैं और बड़े गर्व से कह रहे हैं कि फिल्म में और हीरोइनों के साथ भी आपने इन्हीं कपड़ों में डांस किया है, तो आपको इसमें कुछ गलत नहीं दिखता? कुछ गलत नहीं है, ये एक्टिंग है। दूसरी बात आपको मैं चीज और बता रहा हूँ कि आप ये इसको जब आप डिटेल में देखेंगे, मैंने इसमें ऋषि विश्वामित्र को मैंने पीछे कर दिया है। ऋषि विश्वामित्र को फिर भी सर आपने किस किस को पीछे कर दिया, हम सोच भी नहीं सकते। विश्वामित्र का नाम विश्वामित्र को छोड़िए, आपने किस किस को पीछे कर दिया हम सोच नहीं सकते। फिर भी एक बाबा ऐसे लड़की उसके साथ नाच रही है, एक मॉडल। मैं राजा दशरथ की तरह विदेह हूँ, मेरे सामने बिग बॉस के घर में भी सात सात लड़कियां इसी ड्रेस में रात को सोती थी, वो मुझे सीड्यूस नहीं कर सकी, तो ये लड़कियां जो आपके सीड्यूस होने की बात नहीं है, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो बाबा यहाँ पर मौजूद हैं उनको शर्म आएगी। शास्त्र में लिखा है मन एव तो वही नित्यम, मन एव तो कारणम, मन एव मनुष्यानाम कारणम पाप पुण्य। सर अगर ये बात है, मन पवित्र है, मुझे यदि कोई लड़की हालांकि बाबा मुझे ये बताइए क्या हुआ है, मैं आपको चीज बता दूं, मुझे एक बात बताइए, बात करें तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं हजारों लड़कियों को एक साथ में थका सकता हूं, एक बात बताइए, मैं वो काम नहीं करता। ओम बाबा अपने इंद्री पर, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए,
अगर आप एक्टर हैं, एक सनी लियोनी को आप जानते हैं, पहले पॉर्न फिल्मों में काम करती थी, आजकल वो एक्टर हो गई हैं, कल को आपको पॉर्न फिल्म का ऑफर आएगा, आप वो भी कर लेंगे? मैं ऑलरेडी अपने फिल्मों में मैं पॉर्न वाला काम कर रहा हूँ, सेक्स का सीन में कर रहा हूँ ऑलरेडी, अपने सेक्स का भी सीन किया आपने? कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी। क्या किया है उसमें आपने? जो भाई मैंने सेक्स नहीं किया है लेकिन मैं सेक्स का सीन कर रहा हूँ, वो एक्टिंग में दिख रहा है वो। आप बिल्कुल अश्लीलता की जरा बिल्कुल कोई अश्लीलता नहीं, एक्टिंग एक्टिंग होती है, एक्टिंग एक्टिंग होती है, बेनीबाजी एक्टिंग एक्टिंग होती है। यदि यदि रासलीला भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं, आप भगवान कृष्ण को मत जाइए, मैं आप भगवान कृष्ण को मत जाइए, आपने तो पवित्र को नहीं छोड़ा, आपने ओम पहना हुआ है, आपने ओम के नाम पे मुझे नहीं रोक रहा, आप ढोंगी हैं, ओम के नाम पे ढोंगी बेनीवाल जी, आप हैं, आप कौन ढोंगी, आप हैं जो एक संत को एक ओम है, देखिए भावना जैसी जैसी आपने आप ढोंगी है, मुझे आप ढोंगी है, बेनीवाल जी ये आपके पवित्र का नाम ले लीजिए, नहीं बिल्कुल लूंगा, संतों का नाम को ले रहे हैं, बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा, आपको उनसे ज्यादा आपको जिसका नाम लेना है बाबा सर, ओ बाबा मैं चैलेंज करता हूँ बाबा हो, मुझे ओम जी बाबा ओम जी आपको को ओम जी आपको ऐसे अश्लील डांस करने हैं, आपको पॉर्न फिल्म करनी है, आपको सेक्स करना है, आप जो कीजिए गले से ये ओम निकाल दीजिए, वो कह रहे हैं गले से ओम निकाल दीजिए, मैं एक्टिंग करूंगा करूंगा करूंगा, जो भी रोल मिलेगा मैं करूंगा, गले से ओम निकालिए, आप गले से ओम निकालिए, ओम का ऐसे कोई पैसा नहीं है, देखिए आप गले से ओम और माला पहन इस तरह के सीन करेंगे, नहीं नहीं ओम का मतलब जानते हैं आप क्या है? अरे भाई आप नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं, मेरा जीवन ओम में है, कोई ओम नहीं है, जीवन ओम में है, अब आप ढोंगी हैं, आपके मन में यदि वही बात विचार है आप तो बेनीवाल जी हम कुछ नहीं कर सकते, जो आप हैं वही परिलक्षित हो रहा है, जानते हैं जो आप हैं वही परिलक्षित कर रहा है, आप कम से कम कृपालु जी महाराज प्रेम के सागर से आप सागर करते थे, वो भी डांस करते थे, वो भी राधे राधे करके डांस करते थे, एक मिनट सुन लीजिए, शांत हो जाइए, अब एक्टिंग थोड़ा कम कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ महामंडलेश्वर जी ये बताइए कि जो ये कह रहे हैं कि गले में ओम की माला डाल के ये ऐसे अश्लील डांस करें, सेक्स सीन कर लें, पॉर्न फिल्म भी कर, तो कर, नहीं कर रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, ठीक है, नहीं आप तो कह रहे हैं आपने संभोग का भी सीन कर लिया है, सीन मैंने रियल में संभोग नहीं किया है, तो सीन मैं कर लिया ना, करता हूं, एलिजाबेथ टेलर दुनिया की सबसे सुंदर एक्ट्रेस थी, वो मुझे पदभ्रष्ट नहीं कर पाई, तो ये लड़कियों की क्या औकात है, ठीक है, अब ये बताइए महामंडलेश्वर जी की कोई सीमा जो होती है किसी स्वामी की बाबा की जिसने गले में ओम का लॉकेट पहन रखी हो इतनी बड़ी अभी बाबा का है, वो सीमा कहां आकर रुकेगी? देखिए ऐसा है कि सीमा होगी संत की सन्यासी की, जिसने इस वस्त्र को धारण किया है धन के लिए प्रचार के लिए, वो संत रूप में नहीं है, ये जो कर रहे हैं जब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम धन के लिए कर रहे हैं यश के लिए कर रहे हैं तो हमें आपत्ति कहां से, जो मनाए वो करो और जनता इसका जवाब देगी, मैं तो ये आश्चर्यचकित था, मैं आपसे तो ये गले से ओम क्यों नहीं निकालते मेरा मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगा, ओम मेरा जीवन में ओम को निकालने का हक अधिकार संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे राइट मिला हुआ है, मेरे पर्सनल लाइफ में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अगर एक बात बताइए ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है कि ओम आपको गले में पहनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार, बेकार की बात बिल्कुल है, मुझे ये बताइए अगर आप एक्टर है तो ये ओम का नाटक क्यों करते हैं, आपने आपको बाबा दिखाने के लिए, एक्टर शम्मी कपूर भी थे वो भी ओम का लॉकेट पहनते थे, शम्मी कपूर को आपने खींच लिया इस वहां, ये शम्मी वो तो अश्लील डांस थोड़ा करते थे, शम्मी कपूर नहीं और शम्मी कपूर बाबा शम्मी कपूर नहीं थे, नहीं थी तो मैं क्या, शम्मी कपूर बाबा शम्मी कपूर नहीं थे, मेरे में हिम्मत है, बंद कर दीजिए आप, और ये आप अपने मन से पाप विचारों को हटाइए, आपका मन पापी है, आप कम से कम कृपालु जी महाराज के प्रेम की सागरता को आप तरंगित मत लगाइए, आपका ये शब्द ये बता रहा है कि आपका मन पापी है, आपका मन ढोंगी है, इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं, आप आपने ऐसे किए हैं इसीलिए परिलक्षित हो रहा है, ओम जी मुझे अच्छा ओम जी आपके अच्छा ठीक है, ओम जी आप बाबा नहीं है, मैं बिल्कुल हूँ, अभी आप कह रहे हैं आप एक्टर हैं, मैं एक्टर भी हूँ, बाबा एक्टर हैं, बिल्कुल मैं बाबा भी हूँ एक्टर भी हूँ, बाबा की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? साध यानी प्रकार यानी कि साधु, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं भूषण जी, साध यानी प्रकार यानी कि साधु, बाबा लोगों का हित करे या नहीं, बाबा ये बात हम कर रहे हैं वो लेना देना नहीं, फिल्म वाले जो भी कर रहा हूँ फिल्म करिए, खुद एक्टर बन गए,
तो ये स्वयं स्वयंभू बाबा भी हैं, स्वयंभू एक्टर हैं, इसको ऐसे समझिए। एक्टर नहीं होंगे। एक मिनट, नहीं आप बोले, आप सुनिए। अगर ये एक्टर होते सुशांत जी, तो कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके पास पहुंचता देता, तो ये एक्टर नहीं है ये। नहीं, बोलने की मशीन है ये, कह रहे हैं बड़ी बड़ी हीरोइन इनके साथ शब्द है। एक्टर डायरेक्टर बड़ी बात है, लेकिन नहीं स्वामी, चूंकि अब चूंकि सलमान खान और आप अगर फिल्म बना रहे हैं, मैं उनकी हत्या नहीं करना, बगैर नंगे डालिए, बगैर संभोग के भी तो आप कोई फिल्म बना सकते थे बिकने के लिए। आपको वो भी फिल्म है, वो भी फिल्म आ रही है, इतनी फिल्में आप कहां से बना लेंगे? क्या मैसेज दे रहे हैं प्रोड्यूसर? क्या दे रहे हैं? हॉलीवुड बॉलीवुड के फैंस है, ये फिल्म बना ही नहीं रहे हैं। मेरा संदेह तो ये है, क्योंकि वो बनाने में भी, तीन घंटे के फिल्म में भी पूरा खर्च होता है, उसमें एक्टर चाहिए, उसके लिए स्टूडियो चाहिए, सारा कुछ चाहिए। मेरा संदेह तो है कि ये, और मैं आपको एक बात की और गारंटी देता हूँ, केवल सलमान खान की जब भी रिलीज होगी उसी मेरा साथ रहेगा, सलमान खान का और मेरी फिल्म में। अच्छा ठीक है, आपके फिल्म का क्या नाम है? मैंने बताया ना, मन का महल। मन के महल में कौन कौन है? सारा महल इनके मन में है। मैं तो लीड कर रही रहा हूँ। अपने मन का महल आपसे धुल नहीं रहा और आप मन का महल बना रहे। कोई महल नहीं है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको यही सब करना है, बाबा हटा दीजिए और अपना नाम विनोदानंद झा लिख लीजिए। बिल्कुल नहीं, विनोदानंद झा बोलिए अपने आप। भगवान श्री कृष्ण, आप विनोदानंद झा क्यों नहीं बोलते? कुछ भगवान श्री कृष्ण का नाम, आप विनोदानंद झा क्यों नहीं बोलते? कुछ भगवान श्री कृष्ण 11-12 साल की उम्र में भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, तो उन्होंने उनका नाम नटवत। देखिए भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में रासलीला या खेल करते थे, स्तोत्र पर भी मेरा नाम नहीं, प्लीज ये नाम मेरा नहीं है, भगवान कृष्ण मेरा नाम नहीं है, रासलीला करते हुए। अच्छा एक मिनट, दीपक सुनिए, सुनिए ना एक मिनट। अच्छा एक मिनट, एक जवाब आपने काफी बोला, आपको अच्छा सुनिए, विनोदानंद झा जी, विनोदानंद झा मत बोलिए। अच्छा ठीक है, ये मेरा नाम नहीं है। अच्छा यदि आप सोनिया गांधी को बीच में लाना चाहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, सोनिया गांधी का दिया। अच्छा सुनिए एक मिनट, स्क्रीन पे पांच लोग हैं, एक मेरे को छोड़ के। हाँ। मैंने बोला विनोदानंद झा जी, आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? बाकी पांच क्यों बोले मेरा नाम नहीं है? मेरा नाम नहीं है। बाकी चार क्यों बोले कि मेरा नाम नहीं है? आपको क्यों लगा कि मैं आपको बुला रहा हूँ? ये मेरा नाम नहीं है, सोनिया गांधी। आपको लगा कि मैं आपको बुला रहा हूँ? ये सोनिया गांधी ने, हो सकता है महामंडलेश्वर जी को बुला रहा था, हो सकता है देव जी को बुला रहा था, आपको क्यों लगा मैं आपको बुला रहा हूँ? मैंने कहीं इशारा नहीं किया। सुशांत जी इनको चुप करें तो दो मिनट सही बात करें। देखिए ऐसा है, हमारे देश में ढोंगी बाबाओं की बाढ़ आई। आप चुप रहिए, विनोदानंद झा जी प्लीज, विनोदानंद झा जी, ओम जी आप रिएक्ट हो गया। देखिए जरा, अगर आप चुप नहीं होंगे मैं विनोदानंद झा बुलाऊंगा। नहीं है या बाबा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए मेरा विनोदानंद झा जी, विनोदानंद झा जी, विनोदानंद झा जी, आप भी वक्त हो। देखिए बात सुनिए, अभी आपने मीडिया में सुना है कि आप कई ठग लेके करोड़ों की जमीन बेच के आप होटल में पकड़े गए थे, जहां के बाल कटाए गए, मूछ कटाई गई, अरे नकली बाल लगा, किसी की बात नहीं, किसी की ताकत नहीं। अरे अभी अंदर में देखो ओम जी, क्या मैं उसके गांव, आप ये देखिए, ये आपके बाल कटने के बाद है, ये आपकी तस्वीर देखिए, एक मिनट, ये आप है, ये आप है कि नहीं ओम जी, ये आप है कि नहीं, ये आप है, हटाइए इसको जरा, ये आप है कि नहीं है? आ गए तस्वीर, ये आप है, आ गई, ये आप नहीं है, ये मैं नहीं, आपके बाल नकली है, नकली है बाल, वो आपका, वो आप हटाइए, अभी हटे मैं आता हूँ, आप मार खाएंगे? नहीं मार नहीं खाएंगे, हटाए, मैं एक मिनट, मैं तो बाल हटा रहा हूँ, आप मार खाएंगे, आप खाएंगे, आप बहुत मार खाएंगे। अरे सर शांत, सर अवधेश जी, अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, सर एक मिनट सर, एक मिनट, इस अवधेश जी, एक मिनट अवधेश जी, मैं रिक्वेस्ट, ठीक है अवधेश जी, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, इस तरीके से फिर किसी की बात नहीं जाएगी।
अब ये बताइए ओम जी कि ये आप हैं या नहीं? कौन सा? ये मैं नहीं हूँ। ये आप नहीं है? मैं नहीं हूँ। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ये आप नहीं है? नहीं। आपके बाल अभी जो आपने लगाए असली हैं कि नकली? असली हैं। असली हैं? आप निकाल के दिखा सकते हैं? जब असली आके निकाल के दिखा दूंगा भाई। दिखाइए उसको ऊपर से। कैसे दिखा दूंगा? दिख रहा है, दिखाइए। मैं सर सर मैं हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, कई एंकर्स नकली, आपके बाल नकली हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। 100% तो फिर आप, अरे आप नकली हैं, 100% नकली, आप नकली हैं। बालू महाराज का नकली सर, बाबा हटाइए, बालू महाराज के सामने नकली भक्त है। मन नकली, आप नकली, ओम जी मन से आप नकली सर, इस तरीके से पूरी तरह से। ओम जी आपके बाल नकली नहीं है? नहीं है। क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि कोई मेरा सहयोगी आके उसको चेक कर ले? मैं किसी को अपना बॉडी टच नहीं करने देता। यहाँ तो लड़कियां आपकी बॉडी टच कर रही हैं, आपने संभोग का सेवन कर लिया है बिना टच किए। ये रियल लाइफ, अरे रियल लाइफ नहीं है तो रियल लाइफ में बाल नहीं दिखा सकते। आप बाल नहीं दिखा सकते और लड़कियों के साथ कर सकते हो? मेरे शरीर को, मेरे शरीर के किसी भी चीज को कोई भी व्यक्ति, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे बाल चेक कर लीजिए, आप मेरे बाल चेक कर लीजिए। आपके चैनल का काम होगा, मेरा नहीं है। चैनल का क्या काम होगा? हम इसलिए बता रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं हर बात पे। मैंने बाल नकली है, मुझे इस बात के लिए उपाधि दी गई है। शायद आपको नहीं मालूम कि मेरे नाम के साथ में जो बचपन में मेरा नाम था उसके साथ में एक उपाधि जुड़ी हुई थी जो मैं अब इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और संपूर्ण काशी विद्युत परिषद, संपूर्ण विश्व के सभी साधु महात्माओं, सच बोलने की उपाधि मुझे दी गई थी। आप तो अभी झूठ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप इजाजत दीजिए, एक सहयोगी सच बोलने की उपाधि कौन होती है? आज तक मैंने जीवन में सुना ही नहीं है। सच बोलने की उपाधि आपको मालूम है, मैं आपको तारीफ बता दूं सर, मालूम है। सत्यकारा यस्यासौ इति सदाचारी, ठीक है वो सदाचारी, लेकिन ये उपाधि है मेरा कि आप सत्य बोल सकते हैं। सत्यकारा यस्यासौ इति सदाचारी है से है। आपने लाखों साधुओं ने मिलकर के इलाहाबाद दिया है पूरा काम। हमारे गुरु जी स्वामी सारे मौजूद दिया है। देखिए आपने सन्यासी के वस्त्र को नौटंकीबाज बनाया। सन्यासी का वस्त्र नहीं है, आप विद्वान के घर में भी आप समय के नाम सन्यासी के बंध का। ओम जी मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा सन्यासी नहीं हूँ। अच्छा, दिल में सही, दिल में सन्यासी दिखा रहे हैं। ओम जी आप दिन में यदि विरोध करना है तो उन लोगों का, यदि एक जाफना का गैंग लीडर है वो बीवी बच्चों के साथ रहता है, अपना साधु कहता है, ऐसे लोगों का विरोध करो और गगलवा मत मानता है। बताइए अच्छा, ओम जी एक ऐसे बहुत सारे ढोंगी साधु हैं। एक मिनट ओम जी, ऊपर से मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बीवी के साथ में, अरे एक मिनट सुन लीजिए, साधु बनते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, उसका विरोध कोई नहीं। ओम जी स्वामी, आप किस तरीके के सन्यासी हैं ये बताइए पहले। देखिए साधु की परिभाषा है साधयति परकार्यान इति साधु, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साधु। मादनपुरी जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। जो दूसरों का हित करे उसका कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका कोई तो आप नहीं इस तरीके के सन्यासी। मैं दूसरों का हित करता हूं, फिल्मों से आप दूसरों का कमाऊंगा, वो सारा पैसा भी राष्ट्र बनाने के लिए और जन कल्याण के लिए ही मैं लगाऊंगा। ठीक है, अपने ऊपर एक पैसा बात तो सुन लीजिए। आप दूसरों का हित करने वाले सन्यासी, इस फिल्म से कितने पैसे आपको? एक मिनट सर, एक मिनट देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए ये फिल्म, ये फिल्म 200 करोड़ का फिल्म बनने जा रहा है और 1000 करोड़ मैं इससे कमा करके पब्लिक में उसको बात। अच्छा ठीक है ओम जी, मैं एक लाइन में पूछ रहा हूँ, आप दूसरों का हित करने वाले सन्यासी हैं? बिल्कुल हूँ, ये मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। शुरू में क्यों बोला मैं सन्यासी नहीं एक्टर हूँ? मैंने नहीं, यहाँ पर जिस फिल्म में पहली लाइन थी, मैं सन्यासी नहीं एक्टर हूँ, फिल्म में एक्टर हूँ। आप सन्यासी हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं अश्लील डांस से क्या होगा? मैं सन्यासी अब आप कल को कौन फिल्म कहेंगे करेंगे और कहेंगे 1000 करोड़ कमा के जनता में बांटेंगे? और ये बात आप नाटक कर रहे हैं? नहीं, आप सन्यासी तो है, नाटक तो है, बाल के लिए झूठ बोलते हैं। सुशांत जी एक्टिंग का मतलब ही नाटक होता है। 2 अप्रैल की वो फोटो थी, हम आपको डेट के साथ बता रहे हैं, 2 अप्रैल पानीपत जहां पर आप पकड़े गए थे इस फोटो के साथ, ये वो फोटो है। ये दो आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, बाल दिखा दीजिए। चलिए चलिए, दो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, ये 2 अप्रैल का फोटो मैं कह रहा हूँ, आप ये बाल के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। मेरा इनमें से कोई नहीं आएगा, मेरा एक सहयोगी आके आपके बाल चेक कर लेगा। मैं किसी को इजाजत नहीं देता क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, जो मुझे कब करेगा मैं उसको मारूंगा।
सुशांत जी हमें ऐतराज इस बात से नहीं है, हमें ऐतराज है हमारे सनातन धर्म में कोई भी साधु बाबा सच्चा सन्यासी ये पोर्न फिल्म है ऐसी फिल्म कभी कर ही नहीं सकता है। अच्छा मैं लिख के देता हूँ, अरे आपके ढोंगी साधु लोग जो है बलात्कार कर सकते हैं, बलात्कार रोज बोलने के नाम पे करते हैं, बलात्कार रोज करते हैं, ये चार पीटे हैं, सुबह पीटे हैं, क्या पीटे हैं, ये साधु बता दे क्या दो इंद्रों के साथ आप ढोंगी की तरह रहे, ढोंगी रहे हैं, ढोंगी आप हैं तो विरोध उसका भी होता है, एक मिनट आप नकली हैं तो आपको विरोध उस बात का भी होता है जो लोग रेप करते हैं जिनका बलात्कार के आरोप लगे जिन साधुओं पर वो जेल गए, भगवान से किस में फिल्म कर रहे हैं अभी कौन सी पोर्न फिल्म नहीं है समझे बिल्कुल काम हम लोग हमारे यहाँ अच्छा एक एक आप बैठ के दे सकते हैं मुझे ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल पूछना है, आप लोगों की भलाई के लिए पैसा कमाना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है, लोगों के लिए लगाना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है, कल को किसी का मर्डर करने के लिए आपको कोई पैसा देगा आप लेंगे बिल्कुल नहीं, नहीं लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे इसीलिए क्योंकि मर्डर करना अपराध है या अपराध नहीं, अच्छा अपराध ये अपराध नहीं है, ऐसा है मैंने एलएलबी किया हुआ है मैं कानून को जानता हूं, सन्यासी अपराध की कैटेगरी में आता है, एक सन्यासी के लिए जो आप कर रहे हैं संभोग के सीन और कल को पॉन्ड भी कर लेंगे आप तो अपराध की कैटेगरी में आता है, जो लोग यहां बैठे हैं ना आप ये देखेंगे ये सारी फिल्में सेंसर बोर्ड उसको स्वीकृति देगी, सेंसर बोर्ड से बात छोटा सा ब्रेक से बात करके शर्मनाक नहीं लग रहा है ये तो लोग देख रहे हैं इसमें आपको शर्म नहीं आ रही है, आप ये सोचिए अवधेश जी, अवधेश जी इतना शर्मनाक था, आप देखिए आप संतान पैदा करते हैं और आप आसक्त अच्छा मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ सर, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ ठीक है, ओम जी एक मिनट सर, एक मिनट कर रहे हो, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, एक मिनट सर बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ सर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, कैसे कौन आ रहा है यहाँ पर, कौन नहीं आ रहा, आपको नहीं करके आपको नहीं दिखता बेनीवाल जी, एक मिनट ब्रेक के लिए बात करूं, आपको अंडरवियर में दिख रहे हैं नहीं, स्वामी जी एक मिनट, स्वामी मैं विरोध करता था, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक पर जाने से पहले मैं दर्शकों को एक बात बताऊं कि ये जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिसमें लड़की की तस्वीर हमने धुंधली की है ब्लर की है, आप यकीन मानिए इसको कितना ब्लर करें इसको लेकर हमारे न्यूज रूम में इस पर बहस हुई कि कितना दिखाएं कितना नहीं दिखाएं, ये इतनी अश्लील थी कि एक बाबा के साथ अगर एक लड़की इस तरीके से दिखेगी तो हमको उसकी जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर कम से कम पत्रकार के तौर पर है कि हम उसको ना दिखाएं, और हमने ये शो आपको ये भी बताएं इसलिए किया क्योंकि ऐसे बाबा जो है ना वो सबके सामने आने चाहिए, कहीं कोई इनका फॉलोअर ना पैदा हो जाए, कहीं कोई इनको सही ना मानने लग जाए, इसलिए हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि इनको बैठाइए और एक्सपोज कीजिए और सुनिए मेरा हॉल सब तक जा सकते हैं, बहुत देखा होगा बहुत विवाद हुए स्विमिंग पूल में लड़कियों के साथ नहाते दिखे तो उन्होंने अपना मूत्र भी किसी को पिला दिया, ये भी इसको लेकर विवाद हुआ और बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब विवाद की पराकाष्ठा जो है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं जिस पर आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि क्या पब्लिसिटी के लिए स्वामी ओम, ये तस्वीर देखिए मॉडल के साथ नाचते दिख रहे हैं और मॉडल ने इतने कम कपड़े पहने हैं कि हमको उसको ब्लर करके आपको दिखाना पड़ रहा है, नेशनल चैनल पर हम नहीं दिखा सकते थे, और स्वामी ओम जो हमारे साथ स्टूडियो में वो कह रहे हैं ऐसी कई फिल्में कर रहे हैं उनको इसमें कुछ गलत नहीं दिखता और उन्होंने इस फिल्म में संभोग का भी सीन किया है, इस पेमेंट दूसरी फिल्म में, दूसरी फिल्म में संभोग का भी सीन कर लिया है लेकिन उसमें उनको भी उसमें भी उनको कुछ गलत नहीं दिखता, मुझे एक बात बताइए शब्द आपने प्रयोग किया इनके हिसाब से ये पराकाष्ठा नहीं है, कुछ नहीं अभी इनको पराकाष्ठा पे जाना है, अब मेरी तो सोच नहीं बता पा रही वो पराकाष्ठा क्या होगी, देखिए मैंने कहीं कोई संभोग रियल में नहीं किया है, मैं बजरोली क्रिया का सुशांत जी मैं साधक हूँ, बजरोली क्रिया का साधक हूँ, हजारों लड़कों को एक साथ में खटा सकता हूँ लेकिन मेरा कहना है कि देश भर के साधु सन्यासियों को बिल्कुल एक तय करना चाहिए कि एक व्यक्ति सन्यासी का पहले वस्त्र बांध के अचानक इस प्रकार से करता है तो उसका क्या उपाय है, सही बात, क्योंकि ये आम लोग नहीं कर सकते हैं, ये साधु सन्यासी दिखा दीजिए जो रियल में साधु सन्यासी है, हम इस ढंग से एक सेक्स वर्कर या किसी को लेकर के सामने सेक्स वर्कर नचा रहा हूँ फिल्म की, मुझे हम
मॉडल नहीं लगती है, तो वो एक्ट्रेस है, वो सेक्स वर्कर आप ले आए, सेक्स वर्कर नहीं है, वो एक्ट्रेस है, वो अच्छा वो एक्ट्रेस है सलमान खान की, ये है वो एक्ट्रेस, वो भी अच्छा ठीक है, वो रहने दीजिए, उसको नहीं जाते हैं, रिश्तेदार है वो, नहीं जाते हैं, वो कौन है लड़की, सलमान खान की रिश्तेदार है, अध्यक्ष जी नहीं जा पाओ, ठीक है, ये दाऊद इब्राहिम सिर्फ हिंदू और हिंदू लड़कियों को लेता है, मैं अपने फिल्मों में सिर्फ मुस्लिम लड़कों को ले रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मैं लम जहाँ काम कर रहा हूँ, ओम जी स्वामी ओम, मुझे एक बात बताइए, आपको सलमान फैमिली के सलमान खान के रिश्तेदार है ये लड़की, अरे छोड़िए आप कहाँ से क्या बोलते हैं, आपको खुद नहीं पता, ठीक है मुझे मैं लाऊंगा तो लड़की खुद बताएगी, अरे छोड़िए सर, सलमान खान के घर में किसी को काम करने की ये कम पड़ी कि आपके साथ फिल्म में ऐसे कपड़े पहन के काम करेगी, अरे छोड़िए मुझे ये बताइए, ठीक है अच्छा ठीक है, आगे आने वाले समय में लड़की खुद इंटरव्यू में आपको, ठीक है मुझे ये बताइए कि आपको सलमान खान ने, आपने कहा था बिग बॉस के घर में नॉनवेज खिला दिया, सलमान खान ने नहीं खिलाया, मैंने खाया भी नहीं, अच्छा मैंने वेजिटेरियन खाया था, नॉनवेज वहाँ बिग बॉस के घर में नॉनवेज आपके सामने आ गया था, सामने नहीं आया था, हाँ। नॉनवेज दिखाया गया था, वो नॉनवेज था नहीं, वो वेजिटेरियन था, हाँ। और इसके लिए स्पेशली ट्रेनिंग दी गई थी, और मनु को मेरा खाना सिर्फ मनु बनाता था, वो पहले भी कई फाइव स्टार होटलों में, तो आपको नॉनवेज से इतना परहेज क्यों है, मुझे उसके खाने में, और वो अनिवार्य है, लेकिन बचपन से ही मेरी आदत है किसी की हत्या करके उसके मांस भक्षण करना मुझे नहीं अच्छा लगता, अच्छा। मैं इसलिए नहीं खाता हूं, और कोई कारण नहीं है, मैं उसका विरोधी भी नहीं हूं, मैं उसका समर्थक भी नहीं हूं, तो आपको जो ठीक लगता है, सुशांत जी एक मिनट, ऐसा है कि आप तंत्र की बात कर रहे हैं, तंत्र को आप ठीक से समझते हैं, हमारे देश के जितने बड़े सन्यासी और साधु हुए हैं या जितने महर्षि हुए हैं सब तांत्रिक है, सबने तंत्र की साधना की है, और तंत्र एक उच्च स्तर की साधना है, जो आप कह रहे हैं उससे तंत्र को आप गिरा रहे हैं, नहीं मैं नहीं गिरा रहा हूँ, सुनिए आप कैसे तांत्रिक है, आप तंत्र के ज्ञानी हैं, विश्वामित्र तांत्रिक थे, महर्षि वशिष्ठ तांत्रिक थे, हमारे यहाँ महर्षि व्यास तांत्रिक थे, आप तांत्रिकों की एक बड़ी परंपरा है, आप उसको अभी अभी रिसेंटली अभी रिसेंटली मेरे एक रिसेंटली सुनिए मेरे एक मित्र थे अवधूत भगवान राम वाराणसी में, अवधूत भगवान राम वाराणसी में कितनी है, आप कह रहे रजनीश भी आपके मित्र हो गए, आप विरोध करना क्या कुछ लीजिए ना, हॉलीवुड हम क्यों जीवित है, अभी एक बात बताइए, आपने शिव जी को भी देखा है क्या, मैं अपने आवाहन में मैं बिल्कुल दर्शन करता हूँ, अच्छा कहाँ पे, जब मैं आवाहन करता हूँ अपने साधना कक्ष में तो शिव जी आपके सामने आ जाते बिल्कुल होते हैं, और शिव जी आपसे नहीं पूछते कि ये क्या कर रहे हो, क्या गले में मेरी ओम डाल के, और ये जो नाटक कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, उन्होंने हमको ओम लीला करने की इजाजत दी हुई है, ओम लीला करने की इजाजत दी हुई है, क्यों अच्छा मुझे एक बात, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, मैं सिर्फ आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए, अधीन जो क्राइम आता है वो नहीं करता, मुझे बताइए आप कभी, कोई क्राइम नहीं है, आपने कभी किसी डॉक्टर से अपने आप को कंसल्ट किया है, ऐसा है जिस जो बात आप कहना चाहते हैं, सलमान खान ने वहां बिग बॉस के शो में कहा था कि 400 साइकियाट्रिस्ट ने 400 डॉक्टरों ने मेरा टेस्ट किया था, अच्छा। उसके बाद बिग बॉस के घर में लेकर के गए थे 400 तो आप बताइए, दिल्ली से एक कम पड़ गए, वो आपका दिमाग समझ नहीं पाए कि इतना झूठ बोलता कहां से, और ये बिग बॉस से कंफर्म कर लीजिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सलमान खान के शब्द है, आप निकाल के देख लेना, अच्छा मुकेश जी एक बात सर, मुकेश जी ठीक है, मुकेश जी इसमें कुछ जोड़, मुकेश जी आप कुछ कागज भी लेकर आए, जरा दिखाइए इनके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, ठीक है स्वामी जी मैं निश्चित रूप से बहुत बड़ी ताकत है, और मुझे मैं इनके साथ काफी समय से हूं, और मैं इनको देख रहा हूं, आज जितने भी देश में बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वो नोटबंदी है और चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक है, और चाहे आज यमुना में फूल मूर्ति विसर्जन पर जो रोक लगाई थी स्वतंत्र कुमार ने और विभिन्न न्यायालयों ने, उसके खिलाफ स्वामी जी लड़े हैं, आज पटाखों पर जो रोक लगाने जा रहे थे उसके खिलाफ स्वामी जी लड़े हैं, और हिंदू धर्म का जितना काम इन्होंने किया है शायद ही किसी ने नहीं किया हुआ, आज दिल्ली में जो गायें नजर आ रही है घूमते घूमते 10 साल बाद, वो स्वामी जी की देन है, आप इस बात पर हो सकता है विश्वास ना करें, किंतु मैं आपको दिखाना चाहता हूं कागज पे, अभी जो हमारे जज लोग हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, सबरीमाला मंदिर में रजस्वला महिलाओं को भेजकर उसकी तांत्रिक शक्ति को नष्ट करना चाह रहे थे, तो स्वामी ओम जी ने उसके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं जज दीपक मिश्रा को जूता मारूंगा, उसके बाद आज 1 साल हो गया उस मामले में तारीख नहीं पड़ी, अभी तो वो कह रहे थे कोई कानून तोड़ने वाला वो काम नहीं करते, तो जज को जूता मारते तो कानून नहीं टूटता, कौन सा कानून टूट रहा है, अरे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, आप गजब बात कर रहे हैं, नहीं तो उसके लिए किसी जज वज का नाम मत लीजिए, मैंने आईपीसी कहा है, जो ये कह रहे हैं उससे हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है, जिस जज का नाम ले रहे हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये इनका अपना बयान है, ये बात मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है, तीन साल के ऊपर में
गायों को बचाते बचाते, यमुना को बचाते बचाते इनको क्या हुआ कि ये इस स्तर पर आ गए? चित्त का विकार है। गायों को बचाते बचाते, यमुना को बचाते बचाते हिंदू धर्म का कल्याण करते, हिंदू धर्म में धर्म इनको इस लड़की के साथ नाचने की जरूरत है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें काम भी एक तत्व है। अरे भाई तो उसका अर्थ क्या होता है? अरे आप काम पर अच्छा बेनीवाल जी बोलिए, बेनीवाल जी को सुन लीजिए, ठीक है बोलिए, देखिए प्लीज कृपा करके बोलेंगे, कृपा करके सुनिए आप काम के खिलाफ सुने ही आप बात। अच्छा उनको सुनिए, आप पहले सुनिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अच्छा सुनिए, बंद कर रहे हैं बलात्कार। देखिए ओम जी, हम जना सनातन धर्म के बारे में कह रहे हैं दो चीजें, दो बात आप समझ लीजिए। सन्यासी क्या होता है अभी आपको समझा देता हूं मैं, समझाने के लिए समझा देता हूं। सन्यासी एक कमंडल एक और भिक्षा मांग के खाता है, ये फिल्में सन्यासी नहीं करता कभी भी। मैं पुरुष हूं, भिक्षा नंबर दो, हम की बात कर रहे हैं, पैसे से आप वीडियो सुनने नहीं देना चाह रहे हैं, जब आप सुनिए आप तारीफ। एक मिनट बेनीवाल जी, मैं आपको एक बात बोल दूं, मैं भी हिंदू हूं, मुझे आपके पैसे से हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, अपना अपना पैसा अपने पास रखिए, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, और ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप। आपके हिंदू राष्ट्र में ऐसे ही नग्न जो है लड़कियां नाचेंगी, ये फिल्म है, एक्टिंग है। मैं काम भावना को खत्म करने काम सूत्र के सारे आसनों का इस्तेमाल करने वाला हूँ, काम भावना का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप काम सूत्र के सारे आसन भी दिखाएंगे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, ये बचा हुआ है। देखिए कला तो यही बचा हुआ। सेकंड बेनीवाल जी, कला जो है ये चित्त का विषय है, जब आदमी का चित्त का विकार पैदा हो जाएगा, विकृति, तो उसमें से विकार ही निकलेगा। तो विकार ही निकल रहा हूँ जो है, कहते हैं विकार ही निकल, नहीं तो इनके ये जो मानसिकता है काम का, वही तो मैं खत्म कर रहा हूँ। कला का अर्थ तो आप जानते होंगे ना, कला का क्या अर्थ है? कला का क्या अर्थ? आप बताइए, आप विद्वान है, तो कला का क का मतलब आप समझते हैं? आप बताइए ना। संपूर्ण, कल का क का मतलब होता है संपूर्ण, और ला का मतलब होता है सौंदर्य। जिस सौंदर्य में संपूर्णता हो वो कला कहा जाता है। आपका ये कला तो नहीं क्या है? काम कला नहीं है, नहीं। नाट्य शास्त्र आपको मालूम है, नाट्य शास्त्र जो है हमारे यहाँ वेद का विषय रहा है नाट्य शास्त्र। अच्छा मुझे एक चीज और बता दीजिए, आप कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, नहीं आप जो कर रहे हैं इसमें से अगर आपको शर्म हम लोगों के कहने से भी नहीं आ रही है। एक्टिंग है ओम जी, मुझे ये बताइए काम सूत्र के जो आप सारे आसन दिखाने की सोच रहे हैं, इससे समाज का, वो तो प्रोड्यूसर सोचता है, स्क्रिप्ट राइटर ने बनाया है। अरे प्रोड्यूसर तो कुछ भी करूंगा, आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ, ठीक है। उससे क्या भला करेंगे समाज? उससे मैं लोग, पहले ही 125 करोड़ की आबादी है, आप क्या करना चाहते हैं उससे? दुष्यंत जी, उससे लोगों के अंदर जो काम की जो दूषित मनोवृत्ति है, अच्छा उसको खत्म करो, आसनों को देख के खत्म होगी? बिल्कुल होगी। अरे आपने उसको इतने पर्दे आपने लगा रखे हैं, इतने ढंग रखे हैं, जीवन लोग छोटे छोटे बच्चे राजपाल पेरेंट से चिप करके फोन फिल्म में देखते हैं, वो बंद करूंगा मैं, देखिए वो बंद करूंगा, मानसिक विकृति खत्म करूंगा, मन का मैल खत्म करूंगा, इसीलिए मन का मैल है। इनके ब्रेन का मैं इस दृश्य में आप क्या दिखा रहे हैं? समझ से बाहर है ये जो दृश्य है, इसमें क्या दिखा रहे हैं? इसमें ये दिख रहा है कि एक लड़की एक साधु को सीड्यूस करने की कोशिश, और वो सीड्यूस हो गया और नाचने लग गया, साधु को मतलब असर नहीं पड़ रहा, और वो नाचने लग गए साथ में, बिना असर पड़े नाचने लग गए। आप तो उसके अनुसार ही नाच रहे हैं। तो मैं नाच कर ना, मैं नाचते हुए उसको पकड़ नहीं रहा हूँ मैं, ये देखिए ना आप, ये कंट्रोल, ये कंट्रोल, ये जब आपने एक मिनट, जब आपने वो संभोग वाले सीन किए, इसका मतलब तब तो असर पड़ा होगा? संभोग मैंने रियल में नहीं किया, मैं उनकी कहानी में भी इसका मतलब दिखाया गया कि आप पर असर पड़ गया, सीन है तो वहां पे पड़ गया सर। हाँ तो पसर असर, तो इसका मतलब आपने ये दिखाया है कि एक स्वामी जो है वो कहीं भी जाकर किसी भी महिला के साथ, किसी महिला के साथ नहीं, जहाँ एक्टिंग में जिस चीज की जरूरत है वो मैं करूंगा, फिल्म के लिए कहानी की बात कर रहा हूं, उसमें मेरे मन में कोई विकृति नहीं होगी, ठीक है? आपकी फिल्म की कहानी ये पोर्ट्रे करती है कि एक महिला पहले आपको सिड्यूस करती है, आप नहीं होते, लेकिन बाद में जाके उससे संभोग कर लेते, वो अलग सीन है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अलग सीन में एक स्वामी ने संभोग कर लिया ना, एक स्वामी ने नहीं, एक एक्टर ने। अरे तो आप फिल्म में स्वामी बने हैं, बताइए कि एक सेकंड रुकिए, आपकी फिल्म का डायरेक्टर कौन है, नाम बताएंगे आप? मैंने आपको पहले ही कहा है, अच्छा मुझे उनकी हत्या नहीं करवानी है। अच्छा आप स्क्रिप्ट राइटर का भी नाम नहीं बताएंगे? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मुझे हत्या नहीं करवानी है। अब नहीं, आपकी हत्या नहीं हो रही है, उनकी हो जाएगी,
उनकी हो जाएगी। मैं इसीलिए सुन लीजिए मेरे जेडप्लस सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी प्रोसेसिंग चल रहा है। हाँ, और मैं अपने दिल्ली हाईकोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर है। आपको एक बात बताऊं, दिल्ली सुनिए, मैं आपको एक बात दिल्ली हाईकोर्ट के फुल बेंच सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप गलत प्रोफेशन में, आप अपना एक कॉमेडी शो शुरू कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, आप कॉमेडी शो शुरू कीजिए। कपिल शर्मा, कपिल शर्मा के हैं जो करने वाला हूँ, कपिल शर्मा के हैं चला गया। कॉमेडी आप गलत कह रहे हैं, बहुत सारे डांसरों को इकट्ठा करके डांस की एक कंपनी खोले और कंपनी खोल के बाबा जी अपने डांस करें उसके ऊपर सनातन। अरे भाई, मैंने वो बिग बॉस के घर में किया है, खत्म करें। मैं और ये बाबा का नाम लेके हमें कोई एतराज नहीं है, आप फिल्म करिए, आपके एतराज को नहीं, लेकिन नहीं आप ये किसी के एतराज को नहीं पूछता, आप आके मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या लगता है। मुझे कोई ना दे, बिल्कुल सनातन धर्म। देखिए, जब ये कह रहे हैं कि केवल एक्टिंग कर रहे हैं, अपने धन के लिए कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग लेकिन स्वामी भी तो बताते हैं गले में ओम नाम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं जब लोगों को जबरदस्ती मुकेश जी, एक बात बताइए, इस फिल्म में आपका भी रोल है? रोल आपका भी रोल है? मेरा रोल नहीं है, मैं तो मेरा रोल नहीं है। अच्छा, आपका रोल नहीं है? इस लड़की ने आपके साथ भी नृत्य किया है? ये क्यों करेंगे? मैं जब मैं, अरे भाई, आपने समर्थक, आपने रोल नहीं किया छोटा सा? मेरी बात, ये बिजनेसमैन है, ये एक्टर नहीं है। अच्छा, ये एक्टर नहीं है? हाँ, मैं तो इसका पता चला आप एक्टर हो गए हैं। आप तो पहले तांत्रिक थे, कभी ये बोध हुआ होगा कि मैं एक्टर हूँ? कब हुआ ये बोध? देखिए, ये मुझे तो बोध हुआ, जो हुआ ये, अरे कब हुआ? एक मिनट, बिग बॉस के घर में सलमान खान ने बार बार ये कहा कि आप मेरे से और अमिताभ बच्चन से बड़े इनबॉर्न एक्टर हैं। हाँ, वो जो हाँ हमने एक्टिंग करके दिखाया। हाँ, और तो आप अभी भी दिखा रहे हैं? नहीं, जो और वो एक्टिंग अलग है और फिल्मों वाली है। मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी एक्टर को मेरे सामने आने वाले के ऊपर, आप देखेंगे एक्टिंग में फर्क। बिग बॉस में जाके वहाँ डंडे चलाए, हर जगह एक्टिंग की। जब आपको बताइए, एक बाबा के साथ में भिड़ के, अरे बलात्कार चाहिए ऐसे ढोंगी को, लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई से इनको बुलाने का मकसद ये नहीं था कि ये लड़ाई हो, मकसद ये था कि लोग देखें कि ये कितने बड़े ढोंगी हैं और इनका कोई फॉलोअर ना बन जाए, ये हम चाहते थे। स्वामी मेरे फॉलोअर ऑलरेडी 50 करोड़ है, 50 करोड़ के आपके फॉलोअर पूरे देश दुनिया भर में होंगे, बराक ओबामा से लेकर, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी आपके फॉलोअर आप कह दें, ये भी हो सकता है थोड़ी देर में आप ये भी कह देंगे, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप आपके फॉलोअर हैं क्या? मेरे अच्छे मित्र जरूर हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप से अभी तो मेरी फिल्म बनने जा रही है ना, सुनिए, अभी तो मेरी फिल्म बनने जा रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का योगदान है, आप पूछ लीजिए फोन मिला करके। सुनिए ओम जी, आपको नमन है, आपसे बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। ये आपकी सोच है, डोनाल्ड ट्रंप आपके मित्र है, आपकी सोच है, आप मित्र है, और बराक ओबामा है? बराक ओबामा तो दिल्ली में भी मिले हैं मुझे। अच्छा, दिल्ली में मिले आपसे? यहाँ पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं दिया आपसे मिलके चले? बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन मिले हैं 78 में मिले हैं। गांधी जी को रही है, इंदिरा गांधी को मैंने प्रधानमंत्री बनाया, ये पूरा मैगजीन की कवरेज पूरी बता रही है। ओबामा इनके हैं, मुझे लगता है देश के ऊपर, इसीलिए तो आप जल रहे हैं, इसीलिए आप जल रहे हैं, क्योंकि आप ये सब कुछ कर नहीं सके। मैं ये सब कुछ कर लेता हूँ, आप कुछ कर नहीं सके, इसीलिए आप जल रहे हैं। ये आपको लोग ये मारेंगे, ये जज करेंगे सर, सब को ये 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 सोचिया डा है, कुछ काम होना, ये सोचिया डा है, इसीलिए आप जल रहे हैं। अच्छा स्वामी ओम, एक मिनट,
अब ये बताइए गृहस्थी होकर के ऊपर से कपड़ा पहन रखा है ना ओम जी, आप स्वामी हैं, आप सन्यासी हैं, आपने थोड़ी देर पहले कहा, सुनिए ना एक मिनट, आप सन्यासी हैं, आपने थोड़ी देर पहले ये माना, आप एक्टर भी हैं, चलिए मैंने मान लिया, आप ऐसे डांस भी करेंगे, संभोग के सीन भी करेंगे, आप कामसूत्र के सारे आसन भी दिखाएंगे, तो गले में जो ओम पहना ये उतार दीजिए, मैं आपको बता दूं, उतारूंगा ये मेरा वजह, सुनिए ना, मैं ओम का साधक हूं, इसकी वजह बताता हूं कि बहुत सारे लोग उस ओम का बहुत सम्मान करते हैं, और आप जब ऐसा इस ओम को पहन के ये ऐसा है, इसके लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप निवेदन कीजिए कि पार्लियामेंट में ये कानून बनाए, प्रधानमंत्री के पास बहुत काम है बाबा ओम के अलावा, नहीं तो प्रधानमंत्री, मैं तो ट्रंप साहब से बोलूंगा कि अपने दोस्त को समझाएं, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडामेंटल राइट में मुझे देता है, मैं कुछ भी मान सकता हूं, कौन सा फंडामेंटल राइट है, आपने कहां पढ़ लिया, कहां पढ़ भी मान सकता हूं, कुछ भी रोक नहीं सकता, ये मेरा मौलिक अधिकार है, भावनाएं आहत करके नहीं, मेरा मौलिक अधिकार है, लगाया जाता है, क्या बात कर रहे हैं आप, ओम लेके कैसे चले जाएंगे, एक मिनट, आप ओम लेके फॉर्म क्यों भर रहे हैं, एक एक अभी अभी नरेंद्र मोदी जी, एक मिनट, महामंडल नरेंद्र मोदी जी जनेऊ कान में लगा करके बाथरूम नहीं जाते हैं, आपने निकाल दिया, नरेंद्र मोदी जी, अरे वो नरेंद्र मोदी आप प्रणब मुखर्जी, यदि आपने कान में लगा करके बाथरूम में नहीं जाते तो क्या आपने उनको, अच्छा महामंडलेश्वर जी को सुन लीजिए, एक मिनट स्वामी ओम जी, मैं नागा सन्यासी बनाया गया था, नागा हूं जी। यह लोक लाज के लिए हमारे गुरु ने वस्त्र दिया समाज के लिए, क्या मैं अभी अपने वस्त्र उतार दूं संविधान के अंतर्गत, आप देखना पसंद करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं भी नागा साधु नहीं, और नहीं, मैं लाइव, मैं लाइव टेलीकास्ट करेंगे, मैं लाइव टेलीकास्ट करने आया हूं, नंगे आया हूं मैं लाइव टेलीकास्ट में, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैन मुनि हमेशा कोई निर्वस्त रहते हैं, दिगंबर मुनि, पर दिगंबर मुनि है वो, और नागा साधु क्या है, फिर नागा साधु क्या है, नागा साधु क्या पापी है, अच्छा ठीक है, एक मिनट स्वामी जी, ये सोचा है ओनली एक लाख, सुनिए, स्वामी ओम का बाल नकली, स्वामी ओम के नाम नकली, स्वामी ओम कुछ भी नकली नहीं है, स्वामी ओम के आप मेरे मित्र हैं, और हम दो घंटों में बोलने का, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट सारी असली, मैं दर्शकों को यही बता रहा हूँ बार बार कि इनको ये एक घंटा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे बाबाओं से बचिए, कई ऐसे बाबा हैं जिन पर बलात्कार के आरोप लगे वो जेल चले गए, कई ऐसे बाबा हैं जिन्होंने अपने ऊपर कई इस तरीके से दिखाया कि शक्तियां हैं, कई फॉलोअर बनाए, और उसके बाद जब वो भ्रम टूटा तो लोग आहत हुए, हम इनको एक घंटा इसलिए दे रहे थे अवधेश जी ताकि लोग सुने, और सुने तो उनको समझ में आएगी आदमी है क्या, एक सेकंड, हमारी फिल्में बताएंगी सुशांत जी, हमारी फिल्में बताएंगी, हमारी फिल्में बताएंगी कि आपके ये कहने का कितना असर पड़ा है, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं हर एक मिनट, मैं अपनी फिल्म रिलीज, मेरे पास आखिरी मिनट है, आपने शो शुरू होने के पहले कहा था कि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं, मेरी अंकल बिल्कुल करता हूं, ठीक है, अब मेरी करता हूं करता रहूंगा, ठीक है, बहुत आभार आपका, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जाते जाते ये नकली बाल निकाल के दिखा, नकली बाल है ही नहीं, मेरे लिए नहीं, नकली बाल है ही नहीं, आप एक चीज बताइए, मेरे लिए मैं इसको उखाड़ना चाहूंगा, उखड़ जाएगा क्या, मैं किसी को छूने दूंगा, सर एक बार खींच के दिखा, चैनल के लिए निकाल दीजिए, अरे छोड़ो भाई ढोंगी आदमी, अच्छा एक मिनट, अरे ढोंगी तुम हो तो आप मुझे पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद करता हूं, ठीक है, एक बार मुझे छू लेने दीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पर्सनल, आप डरते क्यों, नहीं मैं डरता किसी से नहीं, लेकिन मेरे मर्जी के खिलाफ यदि मुझे कोई तो मैं मर्जी पूछ तो मैं हमला करूंगा, कोई भी हो, अब ये तो अच्छा सुनिए ना, एक लास्ट ये तो दादागिरी है, दादागिरी, इसको दादागिरी नहीं कहते हैं, इसको दादागिरी नहीं कहते हैं, अपनी सुरक्षा से हमको आर्म लाइसेंस मिला है, हमको आर्म लाइसेंस मिला है अपने सुरक्षा के लिए, हमको ये मिला है कि मेरे पास इतना ही वक्त था, ठीक है मेरे पास इतना ही वक्त था,
और दर्शकों से जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, बाल उठाने का एक ही उपाय है, ताकत के हिसाब से चार लोग उठे। नहीं, ये पकड़ो, अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हमारा कुर्सी काफी है भाई, यही बचता है हथियार के रूप में, कुर्सी काफी है। अवधेश जी एक मिनट, सर मेरे पास वक्त नहीं है, हमको इनके सिर को एक्सपोज नहीं करना, हमको इनको एक्सपोज करना था जिसके लिए हमने यहाँ सबको बुलाया, वो एक्सपोज हो चुके हैं, हमको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी फिल्में आप बनाइए, एक दर्शक आ जाए, अगर आपने 50 करोड़ भी कमा लिए, 50 करोड़ छोड़िए, 50 लाख कमा लिए, तो जो बोलिए सो। ठीक है, उनकी फिल्में, मैं दर्शकों से कह रहा हूँ कि आप देखिए कि इस देश में जो आदमी ओम की माला पहन ले, जो आदमी भगवा कपड़े पहन ले, वो हर आदमी सन्यासी नहीं होता, उसको फॉलो मत कीजिएगा। एक और बात साफ कर दूं, इस पूरे कार्यक्रम में जितने मेहमानों ने जो भी कुछ कहा है वो उनकी निजी राय थी, उससे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। अपनी सोच को विकसित कीजिए और ऐसे लोगों से बचिए, ये हमारा मकसद था। सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।